तो भाई लोग कैसे हो? होप तुम लोग सब बढ़िया ही होगे। वेलकम टू द 15th एपिसोड ऑफ गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक। इस सीरीज में हम गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से मैंने मैसअप कर दिया। मैंने पिछले एपिसोड में भी मैसअप कर दिया था। चलो छोड़ो यार, मैं दोबारा रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तुम लोग समझते ही हो, जानते ही हो क्या क्या पीछे बैकग्राउंड में चलता है। कट करके मैं क्या ही छुपा लूंगा। तो भाई ऐसी बात है ना कि पिछले एपिसोड में अपन लोगों ने बहुत सारे एनिमीज से फाइट किया था, और फ्रेया ना इसके ऊपर जो कर्ज था उसको भी छुड़ा ही लिया हमने। एक बहुत बड़ा ड्रैगन था जो ट्री ऑफ यिग्द्रासिल, इग्द्रासिल, जो ट्री ऑफ लाइफ जिसको हम कह रहे थे, ट्री ऑफ इग्द्रासिल, उसका जो हेल्प मतलब उसकी जो रूट्स को प्रोटेक्ट करता था वो आ गया था, उसको हमने मार दिया है। तो फ्रेया के ऊपर जो भी कास्ट किया था ओडन ने स्पेल, वो अब नहीं रहा। तो फ्रेया किसी भी, एक मिनट, ओ नीचे है, फ्रेया किसी भी रन में जा सकती है। यहाँ भी रास्ता है भाई, थोड़ा देख लो कुछ ना। ओ ये तो लूटा हुआ है, आते वक्त लूट लिया था हमने शायद। ये क्या है? हेलो, ये भी भाई बंद कर रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है शायद। चलो, ओ ये है क्या चीज, मेरे So तो what's समझ में next नहीं for आ you रहा है। if not preparing for war? एग्जैक्टली Do not know. But I What will I take will no take no chances with chances with Atreus. Atreus. Well, you may want to move fast unless you Unless want you want someone to someone make to that make that choice choice for for you. you. Ooh. एसिर लोग आ सकते हैं और लड़ाई शुरू कर सकते हैं। ऑब्वियसली उनने शुरुआत ही गेम की ऐसे Ready? ही की थी। As I ever will be. चलो फ्रेया आ गई अपने ओरिजिनल फॉर्म में। It really is you. यार You've returned to us at last. Yes. चेस्ट पीछे देख रहा हूँ, फिल हो गया फिर Miss से, Humphrey, उसको फिर से लूटेंगे। you'll भाई मुझे reclaim बहुत मजा Stormwind, आता है, बिना मेहनत के जो you'll पैसा मिल रहा है, rebuild, जो सामान मिल me रहा and है, you against the world, huh? जस्ट Just like लाइक the old days. अबे चुप I'm कर, आई एम नॉट not स्टेइंग। staying. I don't understand. हाँ सच में You're क्यों? here. ये तो घर है इसका, Take what वैनाहाइम, we can take, वैनीर that हैं ये what's लोग। ours. I only just got back what's mine. एंड व्हाट्स योर्स, I still have work to do. what do you want to do? You've seen what's left of the realm, right? Do we True. really mean that little to you? You question my loyalty? Vanaheim turned its back on me. Oh, you still can't let go of that old fight. It was my duty to save as many of our people as possible. My responsibility. One you didn't take seriously then, and from the looks of it, one you don't now. You think this is a game to me? Yeah. दरुआ हो गया, ये मजे You लूट रहा है lost जिंदगी के। everything to that maniac you called husband. The man's family set me on fire. How did you expect me to react? Like my brother. Like the boy that used to have my back no matter what. हुआ And क्या? who I always supported no matter how बैकग्राउंड में वो देख selfish रहा his हो, choices. ब्लैक क्या है? ब्लैक ब्लैक कौन है ये? I expected you to come and find me. एक मिनट But no matter how hurt or angry, you wouldn't abandon me. अबे उसको क्या कहते हैं? ब्लैक व्हाइट एल्व्स, ब्लैक एल्व्स, हाँ ब्लैक एल्व्स, एल्व है शायद वो, आई थिंक एल्व है। देखते हैं, इनका तो फैमिली में बहुत बड़ा तगड़ा मैटर हो गया, क्या किया जाए। अबे यार कभी I thought you आते were dead. I had to live lifetimes. मिडगार्ड, But those last awful words I said to you. Have any idea what that's like? Knowing that your own selfishness hurt the person that you cared about the most. तो इसको सेल्फिश क्यों बोल रहा है भाई? ये तो पीस के Abandoned. लिए, पीस के लिए इसने शादी की थी। I mourned you. And how? Oh, I missed you so much. And are you Yingvi,
फ्रेयर नाम था इसका, तो ये यिंगवी और फ्रेयर दोनों क्यों बोल रहा है भाई? ये बहुत कंफ्यूजिंग है, एक नाम रख दिया है तो एक ही लो ना। बट पूरी दुनिया इनको घूमनी है, घर में नहीं रहना। Hasn't been your home for a long time, has it? Do what you gotta do. All right, that's enough. Ain't y'all got nothing better to do than gawking at family sorting squabbles? Yeah, he's talking about that. अरे तुम लोग को पता है इसके चार पार्ट हो गए थे, इसके सोल के पांच पार्ट हो गए थे, आई थिंक पांच या चार पार्ट, जिसमें से सिंद्री जब इसको रिवाइव किया तो तीन या चार पार्ट मिले, उसे एक पार्ट छूट गया, तो इसका सोल मतलब अभी कंप्लीट नहीं है। आई थिंक कि एक साइड क्वेस्ट होगी किसी ना किसी तरह की, गेम खत्म करने के बाद ही ये सब करना होगा आई थिंक सो। अरे ले ले, अरे जाने दो, जाने ही नहीं दे रहा ये। चलो भाई साहब अपग्रेड करते हैं, अब बहुत देर हो गई। चलो थर्ड ऑफ ऑल, इवन यू एंट स्टेइंग बेयर्स मेंशन इन इट्स इंजरी एंड आई फाइंड आवर सेल्फ रनिंग अ क्लब हाउस फॉर अनएम्प्लॉयड गॉड्स। अनएम्प्लॉयड गॉड्स, इफ यू डन फ्रीजिंग योर बैक साइड ऑफ इन मिड गार्ड, मेबी कम बैक विद बियर्डो देयर, चेक अप ऑन योर ओल्ड पाल टियर। That's kind of you, bro. Okay. I may do just that. Oh. Sonic imbued. Right, Freya's bow can only use both sonic and sigil arrows. Cool. Question, you want me to fix anything up first? Well, brother, care to meet our new allies? Or shall we depart? चलो पहले इसको उठाते हैं. The path directing. Depart Freya's camp when ready. You wanna help me with a thing? Mayhaps. पहले हम लोग अपग्रेड करेंगे. लिविया दुम एक्स को हम अपग्रेड करेंगे। एक मिनट, स्टोन कटर्स नो, लक यार बहुत घट रहा है, लक चाहिए मुझको। ग्रिप वेटेड रिकवरी, लक बहुत घट रहा है यार, लक चाहिए मुझको। हाउल लकी हॉर्स लकी, ना कुछ बढ़िया नहीं है। ब्लेड्स ऑफ क्योस देखते हैं भाई, अपग्रेड करो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? चलो यार देख रहे हो तुम लोग, 9 अपग्रेड्स बाकी हैं, अभी हम तीसरी अपग्रेड पे हैं, इसका मतलब है अभी 1/3 गेम खत्म कर दिया है आई थिंक। डायरेक्ट लीनियर कंपैरिजन में बना रहा हूँ, आई थिंक ये गलत है, होता नहीं है, क्योंकि फाइनली फुली अपग्रेड वो होने से पहले ही गेम खत्म हो जाएगा मुझे जहां तक लगता है, लेकिन जस्ट फॉर अवर रेफरेंस हमने 1/3 गेम खत्म कर दिया है। पॉमेल देख लेते हैं, इससे क्या बढ़ेगा? लक, डिफेंस 13, लक, पॉमेल्स ऑफ एजाइल डिसीट, भाई यार ये घट रहा है इसकी वजह से। कस्ट अपग्रेडेबल क्राफ्टेबल है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 4 पॉमेल ऑफ ब्रूटल माइट, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, डिफेंस हमारा, डिफेंस हम ज़्यादा यूज नहीं कर रहे वैसे, देख रहे हो ना तुम लोग। पॉमेल ऑफ एजाइल डिसीट, वाइटैलिटी हमारी बढ़ जाएगी, आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है, इक्विप कर लो। ओके, तो आई थिंक शील्ड में हमारे पास कुछ है अपग्रेड, ये है, ये बड़ी वाली शील्ड है, ये छोटी वाली शील्ड है, अपग्रेडेबल क्राफ्टेबल, वेट अ मिनट, स्टोन वॉल शील्ड, डॉन्टलेस शील्ड, राउंड एक्सपीडिशिश इश्पिशकिश, जो भी नाम है इसका, इक्विप, ये है हमारे पास। अच्छा ये इक्विप कर सकते हैं हम, इसमें क्या ऐसा कुछ है खास है, क्या है इसमें ऐसा?
इसको अपग्रेड करेंगे तो 15 डिफेंस और 8 कूलडाउन बढ़ेगा। इसमें 9 डिफेंस बढ़ रहा है, कूलडाउन अपग्रेडेबल लेवल 3। अच्छा करते हैं लेवल 3 और इसको हम लोग कर सकते हैं अपग्रेड। ठीक है ओके ओके ओके। चाहिए भाई मुझे अभी अपना आर्मर अपग्रेड करना। ना 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 ये सही नहीं है। आर्मर के लिए हमारे पास अपग्रेड के लिए रिसोर्सेस नहीं है। इसके लिए है हमारे पास अपग्रेडेबल क्राफ्टेबल क्राफ्टेबल। ये देख रहा हो रिस्ट आर्मर आई थिंक समथिंग इज नॉट राइट। हमारा रिस्ट आर्मर कौन सा है? तो एक क्राफ्टेबल है अपग्रेडेबल केवल 3 4 5। ये भी अपग्रेडेबल है। एक मिनट ये अपग्रेडेबल है 5 7 4 है 7 8 है 5 7 4 ज़्यादा सही लग रहा है मुझे 5 7 4 ज़्यादा सही लग रहा है। आई थिंक हमारा फिफ्थ अपग्रेड भी है। है गॉवन स्टील नहीं है हमारे पास। वेस्ट चेस्ट आर्मर हमने अभी कुछ नहीं किया क्या? चेस्ट आर्मर रिसोर्सेज नहीं है अपने पास। वाइटालिटी 22 बढ़ रही है भाई। डिफेंस हैक सिल्वर बहुत ज्यादा अपना लेकिन भाई ले लें क्या? वाइटालिटी 22 बढ़ रही है लेकिन जो देख रहा हूँ ये देखने में ही लग रहा है ओपी। वाइटालिटी हमारी 2 डिफेंस 8 और 22 8। इसको अपग्रेड मारेंगे वेस्ट आर्मर देख लेते हैं। ये बहुत सही है यार। इसमें देख रहा हूँ काफ़ी बढ़िया अपग्रेड आ रहा है 11 4। और इसको होल्ड टू क्राफ्ट कर लो। हैक सिल्वर 3000 लग रहा है ज़्यादा नहीं लग रहा है। लेवल 4 है 18 और 12 20। ये ले लेते हैं बहुत सही है। एक और अपग्रेड है क्या इसमें? इक्विप कर लो। ड्वार्वन स्टील नहीं है हमारे पास। एक स्पेशल आइटम इंचेंटमेंट्स देख लेते हैं। वैनाहाइम्स फॉर्च्यून होल्ड टू क्राफ्ट वर्क रिक्वायरमेंट सेट बोनस इंक्रीज क्रेटोस मिली डैमेज व्हेन ही इज अबव 75% बेस्ड ऑन द डिफेंस। क्राफ्ट कर लो और इसको भी कर ही लेते हैं क्राफ्ट। इंचेंटमेंट्स आ गए अपने पास। वेट अ मिनट वेट अ मिनट वेट अ मिनट वेट अ मिनट कर लेते हैं। क्या जा रहा है? That ought to last you a little while. Enchant, एक मिनट स्पेशल आइटम्स और देखते हैं। रिसोर्सेस सोनिक अटेनुएंट होल्ड टू क्राफ्ट 20 स्क्रैप्स सोनिक। ये है क्या चीज? रूनिक पोटेंसी। व्हाट इज दिस? व्हेन अ रूनिक समन इज ऑन कूल डाउन सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस द स्टेटस अप्लाइड फ्रॉम रूनिक एरोस। क्राफ्टेबल है क्या चीज है? यूजिंग अ हेल्थ स्टोन और सम रिफंड्स द रूनिक एरोस एंड रिड्यूसेस रूनिक समन कूल डाउन। अच्छा ठीक है क्राफ्ट कर देते हैं। वैसे भी हमारे पास 20 स्क्रैप्स बहुत सारी हैं। अपग्रेड है हमारे पास। रिसोर्सेस सुपीरियर रिजरेक्शन स्टोन नहीं है हमारे पास। ये ले लें क्या? सिंपल रिजरेक्शन फोर्ज्ड आयरन रॉकाइट स्लैग डिपॉजिट्स। अच्छा ठीक है बहुत हो गया। हाँ भाग दिमाग मत खराब कर। अब जा रहा मैं। अबे भागो यार क्रेटोस काफी टाइम वेस्ट कर दिया हम लोगों ने इधर पे। भाई बहुत टाइम वेस्ट कर दिया हमने अपग्रेड करने में लेकिन चलो ठीक है अब अपग्रेड हो गया। अब अपन को कोई नहीं रोक पाएगा। आई होप सो आई होप। क्रेटोस यू मे नॉट एक्सेप्ट दैट रैग्नारोक इज इनेविटेबल but you're smart enough to know Odin is a threat. Whatever comes next, our best chance of surviving it is to work together.
शुरू से क्रेटोस यही बोल रहा है और तुम ही इसको मारने में लगी थी। द पाथ द डार्कनिंग कंप्लीटेड। तो हमें तो फ्रेया की भी एक्सपी बढ़ गई। फ्रेया तो प्लेएबल है ही नहीं। फ्रेया ज्वाइंस क्रेटोस। क्रेटोस फ्रेया दिस इज कूल। आई थिंक हम लोग को फ्रेया को भी अपग्रेड करने का मिलेगा मौका। रूनिक समन प्लस L2 और R2 टू गो टू द आर्मर टैब। फ्रेया ज्वाइंस समन प्रोवाइड क्रिटिकल एड इन कॉम्बैट एंड कैन बी एक्टिवेटेड बाय होल्डिंग। रूनिक समन टेक टाइम टू रिचार्ज आर्मर। ठीक है। फाइंड एंड इक्विप डिफरेंट आर्मर टू चेंज फ्रेयर्स लुक। सी ऑल्सो बेनिफिट्स फ्रॉम शेयर्ड एक्सेसरी दैट एडजस्ट कम टू होल्ड टू स्किल्स टैब। ठीक है। लिवियादन एक्स प्लेट्स ऑफ क्रेओस फ्रेया व्यू फ्रेया स्किल्स। अच्छा जी, परचेज कर लूँ क्या? परचेज ही है। इंटेंगल्ड ग्रिप। फ्रेया के पास तो केवल 2729 XP है। इंटेंगल्ड ग्रिप ये सही लग रहा है मेरे को। रूट इंटेंगल्ड ग्रिप ज़्यादा सही लगा मुझे। सोनिक पोटेंसी आर्चरी एरो एम्पावरमेंट स्टेटस डैमेज। हाँ ठीक है। हेक्स एक्सप्लोजन कॉज बाय फ्रेयर सिजिल एरोज हैव इंक्रीज्ड इन एरिया ऑफ इफेक्ट। ले लेते हैं, ये देखते हैं क्या है। फ्रेया बिकम्स मच मोर अग्रेसिव इन द बैटल फील्ड। ऑफ कोर्स फ्रेया एंटर्स अ वेलकनी फॉर्म टू स्लैश थ्रू। अरे भाई पहले क्यों नहीं दिखाया ये? इट्स अ मस्ट। एक ही बचा है, ले लो। अब अपने पास तो लिवियादन एक्स। रिटर्न टू सिंदरी व्हेन रेडी। अच्छा हट जा। चलो ओ भाई वो देख रहे हो? अरे यार ये मच्छर, एक मच्छर है, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। दिस लॉक इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स यू माइट नो। यू विल नीड एन एन्चेंटमेंट ऑन योर चिसल टू यूज इट। ओ अब हम पहली बार इसको खोल पाएंगे। अभी तक हम खोल ही नहीं पाए थे। बस सीना सीना फेवर्स द एल्वन सैंक्टम स्टार्टेड। अरे अबे अबे साइड क्वेस्ट चालू हो गई है तो एक्सप्लोर द सैंक्टम एक्सप्लोर द। अच्छा जी साइड क्वेस्ट चालू हो गई है तो। Well, we can decide at the gateway. This boat should get us there if we can clear those bodies. Sigil takes the moons of the rocks, trees, walls and can be used to change sigils for targets. बैठ जाए। हेलो हेलो It has something on it I don't recognize. लो चलो। So it's true. Tears, Tears really alive. Right. Yes. Not exactly. हमी ने बचाया उसे। In a broom closet now. But he's adjusting. How did you find him? Largely that's down to Atreus having figured out how to access the prophecies. Prophecies giants deserve for. We only learned of it ourselves after Thor and Odin came calling. To your home? Is it still standing? How or kya? But all the violence was seemingly just a distraction to let Odin have a private word with Atreus. Odin was alone with your son? Did he tell you what they spoke of? Yes. Nah. He invited him to Asgard. Find his answers. Ye tha. Yaad aa raha hai mujhe. Into fate and search. That's troubling. सच में
एक मिनट, ये इतना पानी ग्रीन है ना कि समझ में भी नहीं आ रहा है कि कहाँ पे जमीन है कहाँ पे पानी है। I have some unfinished business up this river I could use your help with. Or we can follow up on that Elven Sanctum out in Alfheim's desert. If you want to continue exploring, we'll need to remove that log in the river. हाँ, बिल्कुल। पहले हम सामान उठाएंगे, उसके बाद लॉग को हटाएंगे। The crest of Skirnir, never quite as smart as he thought. Crest of Skirnir, देखते क्या है? Though he comes from one of the Vanaheim's oldest families, Skirnir never considered himself a Vanir, never considered himself, well, much of anything, truth be told. Skirnir was loyal to no one but Skirnir. Khud ko hi loyal tha wo. Full of himself, basically. He was that particularly infuriating brand of intellectual who forever seeks to place himself above others by refusing to ever be pinned down on any specific philosophy. If there were any issue with two sides, Skirnir would find a way to stand right in the middle and declare himself superior to all. And if there were a fence separating two pastures, he would find a way to balance directly on its edge. When Odin visited his wrath upon Vanaheim, Skirnir learned the consequences of neutrality. Neither side could be sure of where his loyalties lie, so neither side could trust him for the... अरे छोड़ो हटा यार, क्या ही पढ़ लूँगा मैं जान के। स्किर्निर कोई एक आदमी है जो मतलब ही कह सकते हो, उसे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे कॉज से, उसे केवल मतलब है अपने से। But giants definitely crafted it. There's two wolves represented here. Perhaps a connection to our friends in the sky. Chalo, chup ho jao. Bolo mat. Bolo mat. Oho. What a drop of Yggdrasil. Kuch badhega hamara. या तो रूनिक बढ़ेगा या तो डिफेंस बढ़ेगा, ऐसे कुछ बढ़ेगा, देखते हैं क्या बड़ा। स्ट्रेंथ बढ़ गई हमारी परमानेंटली, वो भी दो पॉइंट से। वैसे हमें पीछे जाना था। I left something behind near the falls. Your wedding site. Now why do you want to be going back there? To be free of the bonds of my marriage. चलो देखते हैं। अबे ये क्या? You severed that a long time ago. चलो देखते हैं। Guide us. Freya's missing piece. अच्छा तो इसको बेसिकली एक क्लोजर चाहिए अपनी वेडिंग से, तो इसको क्लोजर दिलाने जा रहा है Freya's missing piece. चल भाई Freya, तेरे को क्लोजर दिला के आते हैं भाई। वी आर हर फ्रेंड, इसके फ्रेंड हैं हम लोग, मदद करना हमारा फर्ज बनता है। Don't you think that? My people settled this river many ages ago. इसको भी निपटाना है। Thousands traveled it on pilgrimage to the shrine of worship. बहुत सही। ये क्या है? कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। ओहो यहाँ ओ ये तो बॉस फाइट है। पिछले गेम में हमने सारी बॉस फाइट छोड़ दी थी बेसिकली इस तरह की, इस लेवल की। यार ओ भाई, ओ भाई ये कौन है? अरे अरे मैं तुम्हारा दोस्त। कूल अबे फट गया वो तो। अबे ये तो आजा आजा आजा। अबे दूसरा आ गया।
दूसरा आ गया खोद डाला खोद दिया भाई खोद डाला ओ भाई ओबे ये आग अबे ये क्या था अबे यार भागो 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 अरे फिर भाग क्या गया नो फिर तो भागो भाई साहब बहुत पड़ गया फिर तो भाग क्या वो छोड़ डाला भाई एक मुक्के को बचा था इसका अरे यार एक मुक्के के लिए हमने इतना मेहनत की कुछ तो मिल जा हेल्थ वेल्थ नहीं है हमारे पास बहुत बढ़िया ओ भाई हेलो अरे रुक जा ठीक है आई थिंक क्या है ये वेट अ मिनट कुछ अजीब सी इसके अंदर कुछ है क्या चलो देखते हैं पढ़ते हैं दिस मेंशंस अ स्पेल दैट पुट्स ट्रोल्स टू स्लीप एंड अ मैजिक रेलिक दैट एक्ट्स एज अ सॉर्ट ऑफ काउंटर स्पेल ओह नया लो ये बहुत सारे साइड क्वेस्ट हैं बहुत सारी साइड क्वेस्ट हैं यहाँ पे ओ देखते हैं क्या मिला अपने को अंडर द रेनबो स्टार्टेड ट्रेजर मैप We lower it. भाई साहब ये बहुत सारी साइड क्वेस्ट हैं बस ये केवल और केवल साइड क्वेस्ट हैं साइड क्वेस्ट करनी है यार चलो कर लेते हैं वेट अ मिनट यहां से जा सकते हैं क्या नहीं ना काउंटर वेट बोला इसने कहीं किसी तरह का काउंटर वेट है ओ भाई ओ भाई ये तो ट्रोल है इसको खोलने के लिए आई थिंक हमको इनको मारना पड़ेगा दैट्स हाउ इट वर्क्स आई थिंक सो कुछ है क्या अपने काम एक मिनट ओके बस हेलो यही था
इसका पर्पस यहाँ चढ़ के देखते, नहीं चढ़ रहा। यहाँ पे भी कुछ नहीं है। हेलो भैया, भैया क्या कर रहे हो? एक मिनट, ये क्या है? कुछ तो मिला, फोर्ज्ड आयरन है, मुझे इतना कुछ खास। चुप कर जाए ओए, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे नहीं बात करनी, ये साइड क्वेस्ट है सारी, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलते हैं, कोई मतलब नहीं है इन साइड क्वेस्ट को निपटाने का। प्रिया की हेल्प करते हैं इसके, देख रहे हो यहाँ पे, हाँ ये सारी साइड क्वेस्ट है यहाँ पे, समझ में आ गया। फ्रेया का वेडिंग वेन्यू किधर है? क्या यहाँ जाना है हमें? आई थिंक नहीं, हमको और आगे जाना है, या फिर हमें वहीं जाना है, या फिर हम लोग गलत जगह जा रहे हैं। यप, हम लोग आगे निकल गए, हमको वहीं पे जाना है। लेट्स सी, चलो इधर पे पार्क कर लेते हैं अपनी बोट को, डॉक कर लेते हैं, सॉरी पार्क नहीं करते बोट्स यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है ये ऊपर पॉट लटके हुए हैं? तो यहाँ पे एनिमीज आने वाले हैं। मैप अपडेटेड, न्यू एरिया रिवील्ड। भाई साहब क्या मिला? शैटर्ड रून। ओ बे तेरी, ओ बे ये, इससे आ रहे थे डाला भाई। अरे आ रहा हूँ यार, रुक जा आ रहा हूँ, इस बार हरा दूंगा। एक मिनट हाँ, हेल्थ फुल हो गई अपनी। एक मिनट चाची के, हम यहाँ से मारे आ जाओ। तेरी भागो। पैसे उठाओ पहले। हाँ गुड, ओ तेरी, शॉट डालू, और ये निपट गई तेरी। हो गया ओके। ये तो ये यहाँ पे सारी साइड क्वेस्ट ही हैं। अरे चुप कर ओए, ले भाई ठीक है। ये देख रहे हो तो यहाँ पे भी एक ठो है जिसको, ओ ये क्या है? वेट अ मिनट, ये क्या है? कुछ नहीं है। हाँ देखते हैं,
नहीं आग लग जा भाई। ओके नाइस वर्क तो ठीक है। अब वहां से हमको खोलना है आई थिंक सो। यहां हो भाई साहब आप। ठीक है एक तो हो गया और देखने हमें और देखने हैं और देखने हैं और देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है देख लेंगे वो भी थोड़ी सी मदद की जरूरत है। चलो देखते हैं ऊपर होगा कुछ ना कुछ। देखो इस एपिसोड में मैं साइड क्वेस्ट करने वाला हूँ अगले एपिसोड में मैं फिर वापस अपनी मेन स्टोरी में कंटिन्यू करने वाला हूँ। अब ये आ गए हैं हम लोग इतनी दूर तो अब हम साइड क्वेस्ट सोच रहे हैं कर ही लेते हैं क्या फायदा इतना। वेट अ मिनट लग ही रहा था कुछ ना कुछ ऐसा। अरे भाई साहब अबे नीचे पड़ा हुआ है इसलिए। अरे यार यहाँ कोने में चिपका के रखा था तीनों फटते तो अपना तो गेम खत्म था बस। लुंडा कौन है लुंडा? वेट अ मिनट हम वहां क्यों जा रहे हैं? ओह क्योंकि वहां पर ये है जिसको हमें घुमाना है। ब्रॉक है यहाँ तो भाग गया बे। जम गया। हेलो निकलो निकलो नहीं निकलना। और भाई गाना वाना सुन रहे हो क्या कर रहे हैं? वापस आ गया साला। चलो पढ़ते हैं पहले ये क्या है। एनीथिंग इल्यूमिनेटिंग एनीथिंग इल्यूमिनेटिंग कुछ भी बोल रहा। एक्सक्यूज मी कैन यू स्टॉप एंड हेल्प अ लेडी आउट। ओके तो देख रहा हूं कुछ चेस देख रहे हो तुम लोग। एक और सिजिल हमने एक और हमारा मार्कर सही हो गया। अब हमको केवल एफ लाना है और दूसरा वाला कहाँ है भाई? व्यू इन कोडेक्स ये ब्रॉक है। ओ हो 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 ये तो लव्स है। दिस इज लोब। इधर कैसे पहुंचे? एक तो हमने निपटा दिया दूसरा भी निपट गया। क्लिफ्स आई डूंस दो हो गए ना देखा खुला ना। अब तीसरा हमें चाहिए है। तीसरा ये क्या है? तीसरा वाला कहां से लाएं? एक मिनट कुछ भी नहीं है तीसरा वाला ऊपर से आई थिंक हमको। ओके चुप करो। ओहो ओके
I think doesn't look like we can reach it from down here. रीच कर जाएंगे। आप बस तीर चलाइए। उप्स, यहां से ऊपर जाने का कहीं रास्ता है? बिड़ू कहीं तो ऊपर जाना है। इसको फोड़े क्या? कबूम, परेशान नहीं करिए मैडम। अभी हम बहुत इम्पोर्टेंट काम करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो देखते हैं ऊपर कुछ हमको क्ल्यू मिलता है कि नहीं मिलता है। देखते हैं। यहां से तो केवल और केवल अपने को ऊपर तो चढ़ना है, नो डाउट। और अपने को आई थिंक यहां से जाना है। ओहो भाई साहब, इसको पहले फेंको। दो कौड़ी की चीज लगा के रखी। कूल। चल मेरे भाई। यहां से आई थिंक अब कुछ हो पाएगा। हल्के में ले लिया था। चलो देखते हैं आगे क्या है। मच्छर तुम्हारी जात का भाई। यार एक मच्छर इतना परेशान किया है ना, मैं कसम बता रहा हूँ। इसके नाम की सुपारी दे दूंगा मैं। चल जा, कुछ जा। आई थिंक चुप कर यार। प्लीज क्रेटोस, I don't care. What's it like? अभी मुझको चेस चाहिए वो। वेट अ मिनट, सामने ही तो है। उत्तरी। I know the feeling. सामने ही तो था। ऊपर से हम लोग। अबे तेरी साले, क्या वक्त चोरी है। हमको क्या चाहिए है? ऊपर की तरफ एंगल डेफ। यहां पे हमने कुछ तार वार गिराया था ना। ये ठीक है, ये रहा एंगल डेफ। चाहिए हमें। खुल गया धागा, खुल गया इसका। लेट्स गो। चेस्ट उठाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं ऊपर का रास्ता कहां की तरफ जाता है। तो हमारे पास टाइम भी ज्यादा नहीं बचा है, तो ये सब करके हम लोग सीधे चले जाएंगे। मैक्सिमम रेज इंक्रीज्ड, ग्रेट। ये वर्थ इट था भाई, ये वर्थ इट था। हमने जितनी मेहनत की ना, वर्थ इट था ये पूरी तरह से। यहां पे चलते हैं, देखते हैं ऊपर कुछ मिल जाए। लेकिन सच बता रहा हूँ मैं, मैंने कभी सोचा नहीं था यार कि 10 साल में इस तरह का कोई गेम बनेगा। मतलब PS2 में ये सब मोबाइल गेम खेला करता था पहले, देखा करता था भाई, क्या ही अलग चीज रहती थी और क्या ही बना दिया है इधर। एक और appeared over there. See it? हाँ पढ़ो। We should be able to reach the wedding site. Okay. हाँ तो मतलब हमारा यहाँ आना worth it था। कहाँ छुपा के रखा है भाई साहब। चलो वेडिंग साइट, जल्दी चलते हैं यार, टाइम होने वाला है। 40 मिनट हो गया है। किधर साइट था? इस साइट था ना, इस साइट था। अरे यार ये मच्छर। The closer we get, the more tightness grows in my chest.
You're sure you want to continue? Confronting the past comes with a price. It must be done. I've lived with this pain far too long. If you can believe it. We were happy once. For a time, foolishly believed the peace would last. Perhaps that was my mistake. Goddess falls. To protect my family. यहाँ पे भी हैं एनिमीज अपने. चलो बाद में लड़ेंगे, पहले देखते हैं यहाँ. अच्छा ए रुक जाए यार, लड़ने से बात करेंगे बात. हेलो, बात करना चाहता हूँ मैं. अरे बात करना चाहता हूँ मैं. बात करने आया हूँ मैं. मैं बात करने आया हूँ. इसके डिफेंड क्यों नहीं हो रहा? डिफेंड हो गया. ओके मुझे टाइम करना है. ये क्या पहले उठा लूं? हेल्प चाहिए मुझको. उत्तरी ये क्या था? ये तुम्हारी तुम्हें ऐसी तैसी अभी ये क्या? मेरे को क्या दे दिया ये? भाई साहब क्या दे दिया था इसने? बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जहर छोड़ दिया हो मेरे ऊपर. बड़े खतरनाक एनिमीज हैं इसमें तो. ओह ऊपर जाने का रास्ता, पहले हम घूम लेंगे, माल सारा उठा लेंगे, इसके बाद ऊपर जाएंगे. नहीं है कुछ यहाँ पे, भागो. चलो 200 मीटर है बस. अच्छा. Odin asked me to cast a protection spell on him. The one I used on my son. Oh. But the way it drove our boy mad. I refused. He was furious. Throwing every object he could find, destroyed the room. There was only coldness after that. I tried to make it work, but... No one could have lived like that, Your Majesty. Anything I can do. देखते हैं क्या है. No one said the journey would be easy, yet I do find myself questioning how far I thought I would go to finish the pilgrimage. One of my foot slipped, causing me to stumble. My heart seized in my chest and my felt me perhaps separation the kind of the face. Thankfully, I was able to catch myself, but I suffered a nasty scrape on my knee. I believe this may not suffer from my hands as a result of the rough rocks. My back seems to have also taken a complaining about the pack I have worn for the past of the day. Past few days, while I'm thinking about it, my head has also begun aching. My body is there, is making this journey. I believe anyone can as well. ठीक है, मतलब कर सकते हैं, कुछ नहीं. If I can do it, you can also do it. यही कहने का मतलब है इसका. Okay. तो माल तो मिल गया अपने को. तो ये क्या कर रहा था? हाँ, प्रिया. एक मिनट. यहाँ कुछ नहीं है और बाकी. अच्छा यहाँ से ऊपर जाना है. ठीक है. तो बेसिकली फ्रेया ना, ये ओडिन ने इसको जब फ्रेया जिस दिन ये छोड़ के आई ओडिन को, उस दिन ओडिन ने फ्रेया से बोला कि मेरे ऊपर भी वही स्पेल कास्ट कर दो जो इसने बाल्डुर के ऊपर कास्ट किया, जो कि काफी ज्यादा मतलब देख रहे हो वैनिर और एसिर की तो वैसे ही लड़ाई चल रही थी, तो ये काफी ज्यादा सेल्फिश वाली बात हो गई है. अरे भाई लड़ाई चल रही है और अगर तुमको वो इमोर्टैलिटी वाला क्या कहते हैं स्पेल कास्ट कर देगी, तो ऑब्वियसली इसकी जो काइंड है, जो वैनिर काइंड है, उसके ऊपर तो दिक्कत आ जाएगी ना अगर तुमने अपना मूड चेंज कर लिया. तो ऑब्वियसली बात है ये गलत चीज है. और इस वजह से एक मिनट, ये क्या है? और इसी वजह से वेट अ मिनट, इसी वजह से फ्रेया ने फिर
अबे आग लग जानी चाहिए, पागल है क्या? इसी वजह से फ्रेया उसको उस दिन छोड़ के आ गई, बेसिकली यही कहना है इसका। पुत्र ये क्या छूतिया आप है, देख रहा हो ना ये सब मिले हुए हैं। ये क्या है? फ्यूज हो गया, इससे नहीं होगा, आई थिंक इससे होगा। और यहां पे हमको कुछ मिला स्लैक डिपॉजिट्स के लिए है ये। ओह आई सी। और ये हमारा वही एरिया नीचे जाने का, तो यहां पे हम चेस्ट को खोलने पे ध्यान नहीं देते हैं, वापस चलते हैं। कुछ तो गिरा है, उठा लेते हैं। 52 स्टील, ये हमारे पास एक भी नहीं था, तो हम अपग्रेड कर सकते हैं काफी सारी चीजें। ठीक है, पूर्णा ये क्या है? प्रयास मिशन। अबे चलो यहां पे ऑफ कोर्स। पतली गली से निकल लो, पतली गली से निकल लो, किसी को कुछ मत बोलो। हेलो हाय, उत्तरी उत्तरी ये क्या था? हेल्थ तो बिल्कुल जीरो है अपनी। हेल्थ तो अपनी जीरो है, हेल्थ तो लेनी है मुझे। बिहाइंड में कोई नहीं है। हेल्थ 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 हेलो हेल्थ 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 दे दो भाई मेरे। ये भाग के आया साला, हेल्थ ले लिया मेरी पूरी। चौमू बगत मेरी हाल। ओहो किसने मारा, किसने मारा? अरे भाई साहब, तो भाई लोग यार फ्रेया की पास्ट को हील कराने में मदद हम अगले एपिसोड में करेंगे, क्योंकि इस एपिसोड की टाइम लिमिट हो गई है खत्म। और बात ऐसी है कि PS5 आई हेट यू फॉर दिस बट दिस इज नॉट राइट, आपको एक घंटे से ज्यादा रिकॉर्ड करने का ऑप्शन लेना चाहिए। तो PS5 वालों
मैं जिसके कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है उसकी बात सुनो और एक घंटे से ज्यादा बढ़ा के इसको एटलीस्ट 3 घंटे करो, थैंक यू। तो भाई बात इतनी सी है कि ये गेम को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल, और दूसरे एपिसोड ज्वाइन करने के लिए मुझे ज़रूर आना। अगले एपिसोड में हम फ्रेया को उसके पास से हील कराने में मदद करेंगे, उसके बाद हम सिंदर की शॉप में वापस जाएंगे, सिंदर की शॉप बोल लो घर बोल लो, जहां पर हम अट्रेस से मिलेंगे और अपनी जो मेन क्वेस्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। होपफुली तुम लोग को ये 15th वीडियो गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक सीरीज की इंस्टॉलमेंट में मुझे पसंद आया होगा आप लोगों को, और पसंद आया है और अभी तक देख रहे हो तो भाई यार क्लियरली तुम लोग एंजॉय कर रहे हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सपोर्ट कर देना, थोड़ा सा मेरे वीडियो को रीच ज़्यादा मिल जाएगी और थोड़ा सा मेरे को इनकरेजमेंट अच्छा मिल जाएगा। पूरा लगता है 1 घंटे बैठ के यहाँ पे अगर मैं अपना इम्प्रेशन दे रहा हूँ और अगर एक व्यूज भी नहीं आ रहा है वीडियोज़ में, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, धीमे धीमे ग्रेजुअली थोड़ा 10-15 व्यूज़ भी, आई एम हैप्पी विद दैट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे दोस्त बनाने हैं भाई। मेरे पास गेम्स खेलने के लिए, मेरा कोई भी दोस्त गेम खेलने में कोई इंटरेस्ट रखता ही नहीं है, क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त इन सब चीज़ों में मतलब उनको मज़ा ही नहीं आता है। एक दोस्त हुआ करता था मेरा बहुत पहले, लेकिन फिर कॉलेज जाने के बाद उससे दोस्ती छूट गई, बात करेंगे कभी। उसके साथ भाई मैंने जितना टेक्कन खेला है, उसके साथ मैंने जितना टेक्कन में खेलते वक्त टाइम स्पेंड किया है, उतना मैंने शायद ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड किया होगा। तो समझ लो भाई टेक्कन खेलते खेलते ना हम लोग को सुबह, हम लोग छुट्टी होती थी हमारी स्कूल से, 5th-6th class की बात बता रहा हूँ, छुट्टी होती थी करीबन 1:30 बजे के आसपास, 2:30 बजे मैं टेक्कन खेलने निकल जाता था उसके साथ। टेक्कन खेलते खेलते रात 7-8 बज जाते थे, कभी कभी 9 बज जाते थे, पापा जी आते थे लेवाने हमको, ऐसा माहौल था। बहुत टेक्कन खेला भाई, टेक्कन खेलने में मैं एक मतलब अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन भाई ओपी हूँ मैं, हियाची से खेलता था मैं, तुम लोग अगर जानते हो हियाची मिशिमा, तो चलो कभी मौका मिला तो तुम लोग के साथ भी खेल लेंगे। भाई मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं मेरे शहर में अगर कोई मुझे फॉलो वॉलो करेगा तो मैं उसको तो इनवाइट भी करूंगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही यार, या तो उसके घर में या तो मेरे घर में, सिस्टम रेडी है। और वो छोटा सा बॉक्स टाइप का आता है जिसमें 4 बटन होती हैं ऊपर, 4 बटन होती हैं नीचे, और गियर सिस्टम लगा रहता है, जैसे ये आप कहते हो ना गियर छोटा सा, वैसे ही उस टेक्कन सिस्टम में गियर सिस्टम रहता था बड़ा सा, लेकिन तो उसको कंट्रोल करने में आसानी होती थी। तो भाई करेंगे, बहुत कुछ प्लान किया है मैंने, मैं तो इस सब में इंटरेस्टेड रहता ही हूँ, एंथुजियास्टिक तो हूँ ही मैं गेम्स के लिए, तो होपफुली तुम लोग भी हो और मुझे ज्वाइन करो, और देखते हैं आगे कैसे बढ़ते हैं गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक की सीरीज में। इसके बाद या तो रेड डेड रिडेम्पशन चालू करेंगे, या तो फिर अभी तो बहुत समय है वैसे, तो बाद की बात में बात की जाएगी। चलो यार तुम लोग को अच्छा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चलो थैंक यू और टेक केयर, अपने गोल्स पे भी काम करते रहना। 2-3 एपिसोड में मैं बोलना भूल गया था, लेकिन काम करते रहो भाई यार, फ्यूचर के बारे में भी सोचो, उसके बाद सब इन्जॉयमेंट करा करो, ठीक है। होपफुली तुम लोग को अच्छा लगा होगा, बाय, टेक केयर।